एक्सेल लोड कानून की बहाली के लिए गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल कर दी। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। एक्सेल लोड मैनेजमेंट की बहाली के लिए गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने कराची तक खैबर हड़ताल कर दी। हॉक्स बे ट्रक अड्डा और काठोर पर सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सदर राणा असलम का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाइस बंदरगाह पर माल की तरसील भी मुतासिर है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में 3 लाख के लगभग छोटी बड़ी गाड़ियां एहतजाजन खड़ी हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरे भी किए। ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स के रहनुमाओं का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि आज की हड़ताल के हवाले से यह है कि 6 महीने से हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, कभी हाँ कभी ना, कभी यू टर्न, कभी मान गया कभी मुकर गए। तो इस सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर को परेशान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर की माली हालत तो 1 साल से ख़राब है, ड्राइवर परेशान है, मजदूर परेशान है, मालिक परेशान है। तो जब ये पहिया रुकेगा तो बहुत से लोगों का कारोबार जो है वो ज़िंदगी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साथ बहुत से लोग मुंसलिक हैं। अगर पहिया रुकता है तो पूरा पाकिस्तान रुक जाता है। इसके साथ आप रोड पे देखें, होटल हैं, दुकानें हैं, पेट्रोल पंप हैं, तो पूरी दुनिया जुड़ी हुई है इसके साथ। तो गवर्नमेंट को ये एहसास नहीं है, सबसे सेक्टर ये टैक्स देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है, जो कि हुकूमत को कोल्ड नहीं होता, इसका सिस्टम नहीं है। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट टैक्स दे रहा है, कोई भी पाकिस्तान में अदारा टैक्स नहीं दे रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चलती था जब पहले 1 साल का एडवांस टैक्स देती है, टूल टैक्स, डीजल पे टैक्स, टायर पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स है। तो हुकूमत ने तो अब ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि ट्रांसपोर्टरों को, ड्राइवरों को जलील किया जाता है, रोड पर रोका जाता है। तो इस सूरत हाल में चलना बहुत नामुमकिन हो गया है। हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, जो जेन्युइन हैं, जो कानून के तहत हैं, उसको फौरी माना जाए। आज हमारी हड़ताल का पहला रोज़ है और ये हमारी हड़ताल जो है, ये हम ये समझते हैं कि जो एक्सल लोड और इसके अलावा जो दीगर जालिमाना जुर्माने किए जा रहे हैं और इसके अलावा जो भी इश्यूज़ हैं, उस पर हमने जो है ना ये हड़ताल की है। हम ये चाहते हैं कि तमाम जितने भी हमारे मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात हैं। हम कोई गवर्नमेंट से गैर ज़रूरी या नाजायज़ मुतालबा ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कानून की अमल दरामद चाहते हैं। कानून की अमल दरामद जब होगा तो हमारी शराएँ भी बचेंगी, हमारी गाड़ियाँ भी बचेंगी और इससे जो है मुल्क और कौम का भी फ़ायदा होगा। जब तक हमारे ये मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, जब तक जो है गैर महीना मुद्दत तक हम हड़ताल पर हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो इस पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कानून बन चुका है, उस कानून को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कराने के इकदाम किए जाएँ। जो रिश्वतखोर NHA के अफसरान गाड़ियों को तंग करते हैं, जुर्माने लेते हैं, बेफजूल जंगलों में रोकते हैं और गाड़ी को कह देते हैं जी आपने ये जुर्म किया है, वो जुर्म किया है, इनकी गाड़ियों पे कैमरे भी लगवाए जाएं ताकि कोई भी अगर गाड़ी को नाजायज़ रोकता है तो उसको पता लगे कि गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। ये जो स्पीड वाले कैमरे हैं उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ड्राइवर कहता है जी मेरी गाड़ी तो चल ही नहीं सकती और वो कहते हैं जी आपकी गाड़ी 120 में जा रही है, तो ड्राइवर के पास क्या उसका सबूत है कि वो अपनी बताया कि मैं स्पीड से जा रहा हूँ। मैं तो ये कहूँगा इनकी तमाम गाड़ियों पर, जैसे सिंध पुलिस ने जो है ना वीडियो कैमरे लगा दिए हैं, इनके हर वक्त इनके कैमरे चालू होने चाहिए। एक एक आप जाए रोड पे देखें, एक एक मोबाइल ने 10-10 गाड़ियाँ लाइन में लगाई होती हैं, जैसे उनकी झाड़ी लगाने के लिए वो काम पे लगे हुए। वो मोटर वे पुलिस सिक्योरिटी के लिए है, कानून ऑफिस करने के लिए है या रिकवरी ऑफिसर हैं, उनका काम एक ही है। बैंक की गाड़ी साथ रखी हुई है, गाड़ियों वालों से पैसे लेते हैं और जहाँ कोई चांस लग जाए तो वो ड्राइवरों से पैसे भी लेते हैं।